नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 प्रथम विश्व युद्ध और उसकी क्रांति। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हम पाठ 2 में जो है प्रथम विश्व युद्ध किस तरह से हुआ, किस प्रकार हुआ और किस कारण हुआ तथा रूस की क्रांति किस प्रकार हुई, इसके विषय में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशिक लालसा के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किए और अपनी सत्ता का विस्तार किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो पश्चिम यूरोप के राष्ट्र थे उनकी जो है साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशिक जो लालसा थी, जिसके कारण से जो है उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर वहाँ पे जो है उपनिवेश करना स्थापित कर दिया और अपनी सत्ता जो थी उसका विस्तार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों में उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो पश्चिम यूरोप के राष्ट्र थे इनकी जो साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशिक लालसा जो थी, जिसके कारण से उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश करना स्थापित किया और अपनी सत्ता का जो है वह विस्तार किया, जिसका जो परिणाम है तो वह परिणाम स्वरूप यूरोप के जो अन्य देश थे उन्होंने भी उपनिवेश स्थापित करने की यहाँ पे शुरुआत की। पश्चिम यूरोप के इन उपनिवेश भूखे देशों ने एशिया अफ्रीका के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुँचाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पश्चिम यूरोप के ये जो भूखे देश थे, जो ये साम्राज्यवाद की जिनकी भूख थी और औपनिवेशिक लालसा की जिनकी भूख थी, तो इन भूखे देशों ने जो है एशिया अफ्रीका के देशों को आर्थिक, सामाजिक और जो है सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से जो एशिया अफ्रीका के देश थे उनको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है उसको कई प्रकार से नुकसान हुआ था। विश्व राजनीति में उसके ऐसे परिणाम आए जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस की बोल्शेविक क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का सृजन हुआ था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व की जो राजनीति देखी जाती है, तो उस विश्व की राजनीति के विषय में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तब हमें यहाँ बताया है कि विश्व राजनीति में जो है उसके कुछ ऐसे परिणाम आए पश्चिम यूरोप के राज्य के जो उपनिवेश करने की यहाँ पे सत्ता विस्तार किया, जिसकी वजह से जो उनका परिणाम आया, जिसके कारण से जो प्रथम विश्व युद्ध था वह हुआ तथा रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी जैसी घटनाओं का यहाँ पे सृजन पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की वजह से हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए अब हम इनका ब्यौरेवार अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम इसके विषय में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे अब हम सबसे पहले जो है उपनिवेश क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उपनिवेश अर्थात क्या। तो अब हम यहाँ पे जो है उपनिवेश का अर्थ जानेंगे, उपनिवेशवाद का अर्थ। तो उपनिवेश क्या है, वह किस प्रकार होता है। किसी संपन्न एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना और उपनिवेश की जनता विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित हो और उस शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया हो, उपनिवेशवाद कहलाता है। इस प्रकार हम किसी भी शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने स्वार्थों के कारण किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को उपनिवेशवाद कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें समझाया है कि हम उपनिवेश किसे कहते है, जिसमें हमें बताया है कि किसी संपन्न एवं शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो अपने विभिन्न हितों को पूरा करने के लिए और अपने जो है अपनी लालसा को पूर्ण करने के लिए किसी भी निर्बल जो राष्ट्र है वह निर्बल है, परंतु जो प्राकृतिक संसाधन है वह उस राष्ट्र के पास जो है परिपूर्ण मात्रा में है। जो राष्ट्र है वह जो है प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण है, तो ऐसे राष्ट्र की जो विभिन्न संसाधन है उनका शक्ति के बल पर वह उपभोग करना और उपनिवेश की जो जनता है वह विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित हो और उस शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया हो, उसे जो है हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने हित के लिए और अपने विभिन्न जो है लालसा को पूर्ण करने के लिए कोई भी शक्तिशाली राज्य जो राष्ट्र है
वह अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए या किसी भी कारणवश जो है निर्बल राष्ट्र पर शोषण करे तो वह उपनिवेशवाद कहलाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमने समझा कि हम उपनिवेश किसे कहते हैं। तो उपनिवेशवाद अर्थात जो है हम अपने राष्ट्र अपने जो स्वार्थ है उसे पूर्ण करने के लिए और अपने हित को पूर्ण करने के लिए जो है किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा जो है किसी निर्बल राष्ट्र पर शोषण करना वह उपनिवेशवाद कहलाता है। पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद। तो विद्यार्थियों अब हम यहाँ पे जानेंगे कि पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र थे उन्होंने एशिया अफ्रीका में किस तरह से उपनिवेशवाद किया। एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में पश्चिम यूरोप के राष्ट्र मुख्य थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एशिया अफ्रीका में जिन राष्ट्रों ने यहाँ पे उपनिवेशवाद किया उनमें जो यहाँ पे पश्चिम यूरोप के राष्ट्र थे वे मुख्य रूप से थे। उनकी इस साम्राज्यवादी लालसाओं ने उनके पड़ोसी राष्ट्र को भी नहीं छोड़ा था। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर स्पेन का अधिकार था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उनकी जो ये साम्राज्यवादी लालसा थी जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपने पड़ोसी राष्ट्र को भी नहीं छोड़ा था, वहाँ पे भी उन्होंने उपनिवेशवाद किया था, जिसमें जो है नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग जो है उस पर स्पेन का अधिकार था। पुर्तगीज शासक की निसंतान मृत्यु होने पर रक्त संबंध के आधार पर स्पेन के राजा के अधीन पुर्तगाल भी आ गया, जिसके कारण 6 दशक तक गैर यूरोपियन देशों में उपनिवेश स्थापित करने का एकाधिकार एकमात्र स्पेन के पास था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पुर्तगीज शासक जो थे उनकी निसंतान मृत्यु होने पर जो है रक्त संबंध के आधार पर जो स्पेन के राजा थे उन्होंने पुर्तगाल को भी अपने अधीन कर लिया था, जिसके कारण से जो 6 दशक थे तो उन 6 दशक तक गैर यूरोपीय जो देश थे उसमें उपनिवेश स्थापित करने का जो एकाधिकार यानी केवल सिर्फ एक ही राष्ट्र का अधिकार था वह था स्पेन का। तो इस तरह से जो एकाधिकार था वह स्पेन के पास था और कोई भी जो देश थे या कोई भी राष्ट्र जो है वह किसी भी दूसरी जगह पर जो है किसी दूसरे देश में जो है जो गैर यूरोपियन है वहाँ पे उपनिवेशवाद जो है वह नहीं कर सकते। केवल जो स्पेन है उसके पास एकमात्र एकाधिकार था जिसकी वजह से जो है वह यहाँ पे उपनिवेश कर सकता था। इसी तरह से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की प्रदेश भूख के शिकार इटली तथा जर्मनी भी बने। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रदेश है वह भी उनके भूख के जो शिकार है वह इटली तथा जर्मनी भी बने। तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने यहाँ पे इटली और जर्मनी जो है उसे अपने अधीन कर लिया। यद्यपि जब एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ता की पकड़ मजबूत बन रही थी तब ये सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने भी पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका में कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत लिया था। तो हमें यहाँ पे बताया है कि जब यहाँ पे एशिया अफ्रीका के देशों पर जो स्वतंत्र यूरोपीय सत्ता थी उनकी पकड़ जो मजबूत बन रही थी उसी समय में जो है सभी देश ये स्वतंत्र हो गए और अपने पूर्व मालिक जो है उनके जो है मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत ले लिया था, वहाँ पे उपनिवेशवाद करके जो है अपनी सत्ता का विस्तार किया एंड उन सभी को जो है अपने अंतर्गत में लिया था। तो विद्यार्थियों उसके आगे ही एशिया में उपनिवेशवाद वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।